हेलो एवरीवन। तो अब आपके लिए IIM इंदौर की RTI रिपोर्ट आ गई है 21 से 23 बैच के लिए। तो वीडियो आगे देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने बाकी कॉलेज के RTI भी जैसे ब्लैकी, IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, कोझिकोड़े की भी मैंने अपलोड कर दी RTI 21 और 23 की, और बाकी कॉलेज की RTI भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, और भी नेक्स्ट जो बचे हैं उनके भी मैं अपलोड करूँगा। तो उनके लिए आप प्रेस द बेल आइकन और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आगे देखते हैं हम IIM इंदौर की RTI रिपोर्ट में। तो बेसिकली इसमें देखें तो इसमें लिखा है कि कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट हु फिल द कैट फॉर्म। तो इतने लोगों ने कैट का फॉर्म डाला था, और कैंडिडेट वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर स्टेज वन शॉर्टलिस्टेड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये इतने बच्चों को उन्होंने IIM इंदौर के द्वारा शॉर्टलिस्टेड किया गया था। जैसे आप देख सकते हैं कि जनरल में लगभग 7969 एंड 348 इन EWS एंड 2148 इन OBC एंड SC में 1255 एंड ST में 369 एंड PWD में 144 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो ये बात है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इतने लोगों को IIM इंदौर ने सिलेक्ट किया था। और फिर मतलब ये तो थे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिन्होंने पास किया था। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद भी फिर उन्होंने मतलब फिर उसके बाद हुए थे शॉर्टलिस्टेड फॉर PI के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप एलिजिबिलिटी हैं तो मतलब आपको कॉल भी आ जाए। वो बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं, जैसे IIM इंदौर है तो वो आपके एकेडमिक्स को बहुत ज़्यादा वेटेज देता है। तो एकेडमिक में वेटेज में क्या किसको इम्पोर्टेंस देता है, लाइक ये आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो आपका जो 10th 12th और ग्रेजुएशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आपको IIM इंदौर से कॉल आती है। तो फिर अभी उसके बाद देखें तो हम ये ओनली जनरल में 2060 लोगों को कॉल किया था, EWS में 189 को कॉल किया था, OBC में 1205 को कॉल किया था, SC में 815 को कॉल किया था, ST में 369 को कॉल किया था और PWD में 144 को कॉल किया था। तो ये क्या है कि फीमेल और मेल का है, तो आप वो देख सकते हो कितने फीमेल और मेल को आया था। और उसमें हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखें तो कैटेगरी वाइज कंपोजिट स्कोर कट ऑफ और शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू राउंड। तो ये इंटरव्यू राउंड के लिए मैक्सिमम और मिनिमम CS दी हुई है, तो वहाँ पे देख सकते हैं जैसे जनरल के लिए 83.62 था, EWS के लिए 80.73 था, और OBC के लिए 81.18 था, SC के लिए 78.98 था, और ST के लिए 80.27 था, और PWD के लिए 84.97 था। और मिनिमम CS की बात करें तो ये था 71.15 एंड 63.27 एंड 61 एंड 52 एंड 10.3 एंड 16.61। तो अपन इसका इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और ये था कैटेगरी वाइज कंपोजिट स्कोर कट ऑफ फॉर द फाइनल ऑफर ऑफ एडमिशन। तो ये वो शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू के लिए था, और ये यहाँ पे है आपके लिए फाइनल ऑफर स्टूडेंट, जिनको भी फाइनल हुआ था ना ये उनके लिए है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरल के लिए था 46.16, EWS के लिए 41.98, OBC के लिए दैट वा 36.23 एंड SC के लिए 30.90 एंड ST के लिए 115.71 एंड PWD के लिए 18.97। और बात करें तो कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफर द फाइनल ऑफर ऑफ एडमिशन, तो इतने लोगों को एडमिशन मिला था, लाइक जनरल में 896, EWS में 92, 60, OBC में 629, SC में 361, ST में 160 और PWD में 81, इतने को ने ऑफर किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज मिनिमम कैट परसेंटाइल फॉर ऑफर्ड स्टूडेंट, तो जनरल में 90 और EWS में भी 90, OBC में 80 और SC में 64 और ST में 50 और PWD में 59। तो ये इनके परसेंटाइल थे। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि IIM इंदौर एकेडमिक को बहुत अच्छा देता है, यदि आपका एकेडमिक है तो आपके बहुत चांस है IIM अहमदाबाद जाने के। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।